हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो है हाउ टू यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर। एक्चुअली ब्यूटी ब्लेंडर क्या होता है? ब्यूटी ब्लेंडर जिसकी हेल्प से हम अपने फेस पे एक अच्छा सा फेस क्रिएट करते हैं, तो उसी को ब्यूटी ब्लेंडर बोलते हैं। आपने काफ़ी मेरी वीडियोज़ में देखा भी होगा, अभी मैं आपको दिखाऊँगी भी। मार्केट में आपको काफ़ी तरह के ब्यूटी ब्लेंडर मिल जाएंगे। कई बार क्या होता है, हम जो ब्यूटी ब्लेंडर लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टिक ले लेते हैं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा सस्ते भी होते हैं और हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और हमारा जो फेस होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है कि कैसे आप एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर चूज़ करें और कैसे आपको उसको यूज़ करना है, तो वो सभी आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, ब्यूटी ब्लेंडर जो होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। ये मेरे पास एक ये वाला है और एक ये मिनी साइज का है, ये पैक का है और ये लंदन पैराडिक का है। काफ़ी ब्रांड है जो ब्यूटी ब्लेंडर आपको प्रोवाइड करते हैं, बट जो मेरे मोस्ट फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर है वो एक तो ये है लंदन पैराडिक का, और ये सबसे अच्छा है पैक का। बट मैंने इसको पहले परचेज कर लिया था तो मुझे पता नहीं था कि पैक के इतने अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर होते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने एक बार इसको यूज़ कर लिया तो मैं नहीं कह सकती आप कोई अदर ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करोगे, क्योंकि जो इसका स्टफ है बहुत ही अच्छा है और ये इजिली बहुत ज़्यादा हमारी स्किन पर ना, कई बार क्या होता है, जो मैंने पहले ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किए थे जो मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज कर लिए थे, आई थिंक वो 100 में मुझे आई थिंक 2 मिल गए थे, और उनसे मैंने जब अपना बेस बनाया था तो वो वाली फिनिशिंग नहीं मुझे मिलती थी। बट अब मैं जो थोड़े एक्सपेंसिव है ये, बट ये वर्क भी बहुत अच्छे करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करते, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। डिफरेंस आप खुद ही देख लीजिएगा एक एक्सपेंसिव ब्यूटी ब्लेंडर लेके और एक सिंपल ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, दोनों की हेल्प से आप एक फेस पे अपना अलग बेस क्रिएट कीजिएगा और दूसरे साइड अलग बेस क्रिएट कीजिएगा, तब आपको डिफरेंस दिखाई देगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं भी आपको एक ऐसी वीडियो प्रोवाइड करूं जिसमें मैं दोनों ही ब्यूटी ब्लेंडर का डिफरेंस आपको दिखा सकूं। खैर, उस बात को छोड़िए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। आपको जस्ट सिंपल इसको, मैं आपको अपनी डेमो दिखाऊंगी, आप उसी में देख लीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी लेंगे और हमारे पास जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको अच्छे से पानी में इसको अच्छे से चिपका दिया तुम्हें, और देखिए कुछ इस तरह से आपको करना है। और जब ये पानी से बिल्कुल फूल जाएगा, इसके अंदर सारा पानी ऑब्जर्व हो जाएगा, देन आपको क्या करना है, इसको अच्छे से ऐसे निचोड़ लेना है, इसका सारा पानी बाहर आना चाहिए, इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास अगर कोई कॉटन का दुपट्टा है या फिर कोई टॉवल वगैरह है तो उसमें आपको ऐसे इसको अच्छे से एक बार डैप कर लेना है, एंड देन आपको उसको यूज करना है। उसके बाद आपने पूरे फेस पे अपने फाउंडेशन अप्लाई करना है। आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बीबी क्रीम भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ इस तरह से आपने ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करना है, जहां पे आपने आप फाउंडेशन के डॉट्स लगाए थे वहां पे इसको आपने ऐसे डैप करना है। ऐसे आपको ऐसे नहीं खींचना आपने ब्यूटी ब्लेंडर को, इससे क्या, अगर आप अगर ऐसे करते हो तो आपका जो फाउंडेशन है वो केकी हो जाता है और आपकी जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे टैप टैप करके पूरे फेस पे ही
फाउंडेशन को अप्लाई कीजिए। इसमें थोड़ा टाइम लगता है बट अगर आपको अपना बेस अच्छे से बनाना है तो आपको अपने मेकअप को टाइम देना ही पड़ेगा। कुछ इस तरह से आपने पूरे फेस पे इसको डैप डैप करके लगाना है। और आप देखें जो आपका फाउंडेशन था वो कितनी अच्छे से ब्लेंड हो गया हो और यहाँ पे कितना अच्छा बेस भी क्रिएट हो गया है। तो बस इतना ही यूज होता है ब्यूटी ब्लेंडर का। इसकी हेल्प से आप लूज पाउडर भी अप्लाई कर सकते हो, कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे ही आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो। तो गाइस देख लिया आपने कि कैसे आपको ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ब्यूटी ब्लेंडर कैसे यूज़ करते हैं। वैसे तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसी वीडियोस मिल जाएगी कि ब्यूटी ब्लेंडर कैसे यूज़ करते हैं, बट मेरा मन था क्योंकि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि आपको ब्यूटी ब्लेंडर कैसे यूज़ करते हैं, आपका बेस इतना अच्छा कैसे क्रिएट हो जाता है, हमारा बेस इतना अच्छा नहीं होता। तो गाइस जब हम मेकअप करते हैं तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, तभी हम एक अच्छा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपना बेस क्रिएट करें, मेकअप करें, तो सबसे पहले आपको अपना ब्यूटी ब्लेंडर पे ध्यान देना है, उसको अच्छे से पानी में डैप करके स्वेट आउट करके तभी आप उसको यूज़ करना है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।